हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम जो हैं हेड कांस्टेबल, जो यू दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल है, एससी हेड कांस्टेबल, उसके जो है सब्जेक्ट वाइज क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज देने वाले हैं कि कंप्यूटर को क्या क्या कहा जाता है, कंप्यूटर कैसे बना, उसका आविष्कार किसने किया, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर, ये सब क्या होता है। हम इस वीडियो में आपको सब कुछ बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, न्यू विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस जरूर से ज़रूर कर दें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि हम वीडियो अपलोड करेंगे सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, आपकी तैयारी कराने के लिए। हम आपकी तैयारी इस तरीके से करा देंगे कि जो 100 नंबर का ये क्वेश्चन है और 100 मार्क्स हैं और 90 मिनट आपको दिए गए हैं, इसको आप 80 मिनट में आराम से कर लें, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो हो सकता है कि जो पेपर है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट बनाया जाए, जो कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं वो डिफ़िकल्ट बनाए जाएँ और सब्जेक्टों के क्वेश्चन भी थोड़े थोड़े डिफ़िकल्ट बनाए जाएँ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसको चलते हुए हम आपको आज कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज देंगे। उसके बाद हम 10 से 15 कंप्यूटर की वीडियो के अंदर ही सारा कंप्यूटर का सिलेबस जो है वो कवर कर देंगे, और उसके बाद हम आपको पीडीएफ में नोट्स देंगे। अगर आपको और भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई स्टडी मटेरियल चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम जो हमने अभी 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 बनाया है, पहले नहीं था, वो इसीलिए बनाया है कि हम आपको पीडीएफ में वीडियो ओ सॉरी पीडीएफ में जो है नोट्स प्रोवाइड करा सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, आज हम कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर का परि इस इसके अंदर कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर का जनक और कंप्यूटर कैसे काम करता है, इस विषय में हम जानकारी लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कंप्यूटर अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ है गणना करना। इसलिए कंप्यूटर का नाम रखा गया है। इसका उपयोग इंफॉर्मेशन के स्टोरेज प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, कंप्यूटर अपने आप काम नहीं करता है, इसमें किसी यूजर की ज़रूरत होती है। जब यूजर कमांड देता है तो उस कार्य को कंप्यूटर बड़ी आसानी से और बिना किसी त्रुटि और बड़ी तेजी से करता है। कंप्यूटर के बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले इसके फंडामेंटल्स के बारे में जानना जरूरी है। जैसा कि आप सब जानते हैं, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबिज को माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में चार्ल्स बेबिज ने ही दुनिया को बताया था। फिर इसके बाद विभिन्न कंपनियों ने इसका मॉडलाइज रूप तैयार किया। अब हम यह जानेंगे कंप्यूटर किस प्रकार काम करता है। कंप्यूटर अपने आईपीओ मॉडल के जरिए काम करता है। आईपीओ मॉडल की फुल फॉर्म है इनपुट प्रोसेसर आउटपुट। इनपुट में वो सभी चीज़ें आती हैं जो कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करती है, डाटा पहुंचाने का काम करती है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जनरली गेम्स के इस्तेमाल में आती है। लाइट पेन ज़्यादातर जब आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाते हैं उसमें जो आप साइन करते हैं वहाँ लाइट पेन का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रैक बॉल जो है यह भी एक गेमिंग प्रोग्राम है। स्कैनर जो है यह डॉक्यूमेंट को स्कैन करने का काम आता है। माइक्रोफोन माइक्रोफोन के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। और बारकोड रीडर
बारकोड रीडर के बारे में आप सभी जानते होंगे। अब हम इसका दूसरा कंपोनेंट प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या होता है? मेनली हम कंप्यूटर को प्रोसेसर से ही जानते हैं, क्योंकि कंप्यूटर का जो दिमाग है उसे सीपीयू कहा जाता है, और सीपीयू प्रोसेसर से मिलकर ही बना है। सीपीयू की फुल फॉर्म है कंट्रोल प्रोसेसर यूनिट, और इस सीपीयू या प्रोसेसर के दो भाग होते हैं, एएलयू और सीयू। एएलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, और सीयू की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट। एएलयू सभी क्रियाओं को करता है और सीयू इन सभी क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम करता है। यानी कि देखा जाए तो प्रोसेसर जो है वह कंप्यूटर में जो भी गतिविधियां होती हैं उसको मॉनिटरिंग का काम करता है, यानी कि कंप्यूटर का दिमाग। जो जैसे हमारा दिमाग काम करता है वैसे ही प्रोसेसर अपने कंप्यूटर को जैसी जानकारी दी जाती है उसी प्रकार से उसको काम करने के लिए निर्देश देता है। चलिए, इसके बारे में आप जान चुके होंगे। अब इसका तीसरा कंपोनेंट आउटपुट क्या होता है? आउटपुट में कौन कौन सी चीज आती है? जैसे मॉनिटर, इसमें सभी प्रकार के मॉनिटर आते हैं, जैसे कि एलईडी, एलसीडी, सीआरटी, सभी प्रकार के मॉनिटर आउटपुट यूनिट का ही भाग हैं। प्रिंटर, प्रिंटर के बारे में आप लोग सब जानते होंगे, प्रिंटर के बारे में आपने देखा होगा कि प्रिंटर क्या होता है। आप किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट आराम से निकाल सकते हैं। प्लॉटर, प्लॉटर के बारे में भी आप जानते होंगे। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर एक ऐसी यूनिट है जो कंप्यूटर में अटैच कर दी जाए तो दीवार पे या किसी पर्दे पर उसको डिस्प्ले किया जाता है। स्पीकर, स्पीकर के बारे में तो बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, स्पीकर के बारे में तो अब लगभग सभी जानते हैं। हेडफोन, हेडफोन जो हम फोन में लीड्स वगैरह लगाते हैं उन्हें हेडफोन कहते हैं। वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट, वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट का मतलब है एक कंप्यूटर से दो डिस्प्ले चलाना, उसको वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट कहा जाता है। मतलब कि आपका एक सीपीयू के अंदर से दो मॉनिटर चलाना वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट कहलाता है। यह भी आउटपुट का ही भाग है, और ज़्यादातर क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाता है पेपर में कि कंप्यूटर के एक सीपीयू से दो मॉनिटर चलाए जा सकते हैं या नहीं, हाँ या ना, अगर एक चलेगा या दो चलेगा। फिल्म रिकॉर्डर, फिल्म रिकॉर्डर जैसे कि हमारा कैमरा काम करता है, फिल्म रिकॉर्डर वैसे ही काम करता है।